हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कटिंग करेंगे प्रिंस कट ब्लाउज विद बोट नेक एंड एल्बो स्लीव्स। इसके लिए मैंने लिया है 1 मीटर कपड़ा और 1 मीटर अस्तर। आइए अब हम मेजरमेंट देख लेते हैं। ब्लाउज की पूरी लंबाई है 15, छाती है 36 और शोल्डर है 15, आगे का गला है 4, पीछे का गला है 12, हाथ लंबाई 11, हाथ फिटिंग 10, कमर 30 और हाथ गोलाई 17। तो आइए अब हम बोट नेक का मेजरमेंट देख लेते हैं, जिससे सब साइज़ के ब्लाउज का बोट नेक कट कर सकते हैं। 31 से 34 तक आर्मोल 7, शोल्डर भी 7 और गले की ब्रॉड 4.5 से 4.5 और गले की लेंथ 3 रख सकते हैं। और 35 से 38 तक आर्मोल 7.5, शोल्डर भी 7.5 और गले की ब्रॉड 4.5 और गले की लेंथ 3.5 रख सकते हैं। और 39 से 42 तक आर्मोल 7.5 और शोल्डर भी 7.5, ब्रॉड 5, गले की लेंथ 3.5। और 43 से 46 तक आर्मोल 8, शोल्डर भी 8 और गले की ब्रॉड 5.5, गला लेंथ 4 रख सकते हैं। और 47 से 52 तक आर्मोल 8, शोल्डर भी 8 और गले की ब्रॉड 6 और गले की लेंथ 4.5 से 4 तक रख सकते हैं। तो अब हम कपड़े पे कटिंग देख लेते हैं। ब्लाउज़ की पूरी लंबाई है 15, उसमें 1 इंच मार्जिन लेके 16 पे निशान लगाएंगे। इस साइड भी नाप ले 16। अब लाइन खींच दे। यहाँ से शोल्डर का आधा ले ले 7.5 और नीचे भी आर्मोल का गेप ले ले 7.5 और यहाँ से भी नाप ले 7.5, ऊपर भी नाप ले 7.5 ताकि लाइन सीधी बने। अब हम छाती का चौथा भाग लेंगे। 36 छाती है, उसका चौथा भाग होगा 9 इंच। 9 इंच में 2 इंच प्लस करेंगे 11। अब लाइन बना दें। अब नीचे से भी 11 लेके सीधी लाइन खींच दें। अब आर्मोल का 1.5 इंच का गेप लेके आर्मोल का शेप दे दें। ये हमारा बेक का पार्ट है। बोट नेक कट करेंगे इसलिए गले की ब्रॉड होगी 4.5। 4.5 पे निशान लगाए और गले की लेंथ ले ले 11 इंच। नीचे से भी 4.5 नाप ले। अब लाइन खींच के गले का शेप दे दे। जैसा आपको गला चाहिए उस हिसाब से शेप दे दो। अब इसे हम कट कर लेंगे। हमारा बेक का पार्ट बन गया। गले की कटिंग हम बाद में कर लेंगे। अब इसी भाग को नीचे रख के आगे का मेजरमेंट ले लें।
नीचे से आधा इंच कपड़ा छोड़ दें एक्स्ट्रा आगे के पार्ट के लिए, और सेम इसी। सेम पार्ट बना ले। अब इस कपड़े को हटा दे और नीचे की आधे इंच की लाइन खींच ले। अब आगे के पार्ट में हम एक एक इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे, क्योंकि हम प्रिंस कट कट करेंगे ना, इसलिए। अब प्रिंस कट का बनाने के लिए आगे से 4 इंच ले और टक्स लंबाई ले 10.5, और यहाँ से भी 4 इंच ले, एक लाइन खींच दे, फिर इसे आरमोल की तरफ शेप दे दे थोड़ा। हो गया। अब नीचे से हम 1.5 इंच लेंगे और लंबाई में 2 इंच लेंगे और लाइन खींच दे, फिर हल्के हाथों से शेप दे दे। और यहाँ से जो आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था उसे तिरछा कट कर दें। बस अब कटिंग कर लें। सॉरी, यहाँ मैं गला बनाना भूल गई। साढ़े 4 इंच फ्रोड लेंगे गले की, लेंथ लेंगे 4 इंच, बॉक्स बना के बोट नेक का शेप दे देंगे। अब इसे कट कर लें। ये शेप भी काट दे, जो लाइन बनाई थी हमने वो सेम लाइन पे कट कर दो। जो आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था उसे तिरछा कट कर दें। स्लीव्स के लिए कपड़ा नहीं बचा था, इसलिए मैंने जॉइंट लगा के लिया है स्लीव्स के लिए कपड़ा, आगे पीछे दोनों साइड। अब ये कपड़े को ऐसे रखेंगे। 11 इंच हमारी स्लीव्स की लंबाई है, प्लस 1 इंच मार्जिन, 12 इंच। 12 इंच पे निशान लगाएंगे, इस साइड भी 12 इंच के पे निशान लगाएंगे। हाथ गोलाई है हमारी 17, 17 का आधा होता है 8.5, उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे। डेढ़ इंच प्लस करके यहाँ पे लेंगे 10 इंच। और यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और ये तिरछी लाइन बना देंगे। हाथ फिटिंग है हमारी 5, 10, उसका आधा 5 और प्लस 1.5 इंच 6.5। 6.5 पे निशान लगा के
यहाँ भी तिरछी लाइन बना देंगे। अब स्लीव्स का शेप दे देंगे। और आधा इंच थोड़ा और ये अलग से आगे की स्लीव्स के लिए। कट हमें ऊपर वाली लाइन करनी है, पहले ऊपर वाली लाइन कट करेंगे। खोल के जो आधा इंच का शेप दिया था वो अब आधा इंच का शेप कट कर देंगे। और क्रॉस निशान बना देंगे ताकि हमें याद रहे कि ये आधा इंच कम वाला भाग है। अब हम कपड़े पे कटिंग करेंगे। बैक पार्ट रख के आधा आधा इंच एक्स्ट्रा कट कर लेना है। अब यहाँ पे वो प्रिंस कट का हाफ भाग यहाँ पे रख के ये भी कट कर लेना है आधा आधा इंच एक्स्ट्रा। सबको फोल्ड कर करके अलग अलग रख दे। इसे भी आधा इंच एक्स्ट्रा कट कर ले। इसमें हम पलटी वाला गला बनाएंगे इसलिए बराबर से कट किया है इसे, वो हम स्टिचिंग में आपको बता देंगे। स्लीव्स भी कट कर लेते हैं। ये भी आधा आधा इंच एक्स्ट्रा कट कर लो। सॉरी ये कपड़ा उड़ रहा है, इस पर हम कुछ रख देते ताकि कपड़ा उड़े ना। अब इसकी स्टिचिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको इस ब्लाउज की स्टिचिंग देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।